अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम फुटर मेन्यू पे लिंक लगाना देखेंगे कि हम अपने फुटर में किस तरीके से लिंक लगा सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट खोलें, ये देखें जी, ये एडीएम स्किल्स ओपन हो गई। तो अगर हम नीचे आए अपने फुटर में, तो ये यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमें कोई भी लिंक नहीं शो हो रहा है। तो हम आज देखेंगे कि हम अपने फुटर में हाइपरलिंक किस तरीके से लगाते हैं। तो चले चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ये हम अपने डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में हम कस्टमाइज पे चले गए। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि ये लाइव हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने फुटर में चले गए। फुटर में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं फुटर बॉटम बार पे। जैसे ही हम बॉटम बार पे गए, ये देखें, ये हमें लिखा हुआ आ रहा है, ऑल कॉपीराइट रिजर्व बाय एडीएम स्किल्स। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पे लिंक आए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग करूँगा। ये मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया। ए एच आर एफ हाइपर रेफरेंस, यहाँ पे हमने जिसको भी लिंक देना है, ए डी एम स्किल्स हाइपर रेफरेंस के बाद लिंक, जिस वेबसाइट का मैंने लिंक देना है, मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, edmskills.com। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडीएम स्किल्स, तो स्लैश ए करके इस कोड को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे स्लैश ए, ये कोड हमारा क्लोज हो गया। तो जब मैं इसे पब्लिश करूँगा, तो हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि जी अभी भी हमें कोई लिंक शो नहीं कर रहा। तो जब हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे, इसी मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा, हम देखेंगे कि ये देखें, ये हमें यहाँ पे लिंक शो कर रहा है। पहले ये हमें लिंक शो नहीं कर रहा था। तो ये हमने अपने हेडर में लिंक डालना ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी अगर यहाँ से क्लिक करे, तो वो वापस हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हम अपने फुटर में किस तरीके से लिंक डाल सकते हैं। अगर आपको समझ ना आई हो, तो आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। ये एच आर एफ रेफरेंस, फिर हमने अपनी यूआरएल डाली, यूआरएल के बाद टेक्स्ट डाला। टेक्स्ट डालने के बाद हमने जिस पे भी लिंक डालना होगा, हम उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो हमारा लिंक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।